Hello everyone, I am Smriti Sinha here and welcome back to our channel Science Zone. Today you follow, tomorrow we lead. And if you are new to this channel, please hit the subscribe button given below. And if you have missed our previous videos, you can click on the I button given above. And if you want to join our Telegram group, you can click on the link given in the description. and the topic that we are going to study today is solutions to ye jo series hai wo revision series hai already humne solid state cover kar liya hai aaj hum solutions topic ka important formulae और उससे related problems देखेंगे यदि आपको solid state में कोई भी doubt था आप मुझे पूछ सकते हो email में या comment box में but आज हम इस session को live ले रहे हैं जिसमें आप हमारे लाइव चैट में जैसे जैसे प्रॉब्लम्स आपको आते जाएंगे आप मुझे वहाँ पे पूछते जाइए मैं आपको तुरंत अभी आंसर करते जाऊंगी तो सॉल्यूशंस तो कुछ बच्चों ने मुझे ना ये भी कहा था कि मैडम पहले आप थियोरी पार्ट का रिविजन ले लीजिए और फिर जाइए इंपॉर्टेंट फॉर्मूले की तरफ बट देखो ये फार्मूलेज और ये जो प्रॉब्लम्स है वो बहुत ज़्यादा स्कोरिंग होते हैं क्योंकि वो फॉरवर्ड होते हैं ठीक है आपको इसमें कुछ लर्न वर्न नहीं करना होता जैसे है आपको याद रहेंगे तो आपको रिलेटेड क्वेश्चन जब पढ़ोगे आप तो आपको पता होगा कि उन्होंने क्या गिवन है क्या पूछा है और क्या उनको चाहिए है एक्चुअली तो आप उससे रिलेट करके वो फॉर्मूला उधर इंसर्ट कर सकते हो फॉर्मूले में सारे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो और आपको डायरेक्ट आंसर मिल जाता है तो बहुत इजी होता है इसलिए और इसलिए मैंने पहले ये वाला सेशन लिया है जो है न्यूमेरिकलस वाला ये न्यूमेरिकलस वाले सेशन के बाद मैं लूंगी रिवीजन इन वन शॉट मतलब हर चैप्टर का जो है वो आधे घंटे में पूरा कंप्लीट रिवीजन ले लूंगी तो वो वाला हम सेक्शन बाद में लेंगे अब कुछ बच्चों के ये भी डाउट थे पिछले वीडियो में कि आप मैम सब ले रही हो कि सिर्फ जो हमारे एग्ज़ाम में है सिलेबस क्योंकि सिलेबस रिड्यूस हो चुका है तो जो एग्ज़ाम में सिलेबस है सिर्फ वो ले रही हो तो इसके लिए आंसर है कि मैं सिर्फ रिड्यूस सिलेबस का ही पार्ट ले रही हूँ जो पार्ट आपके एग्जाम में है अभी वो ही ले रही हूँ जो एक्स्ट्रा पार्ट है वो मैं कवर नहीं कर रही हूँ इधर इस वीडियो में अब और भी कुछ क्वेश्चंस ये थे कि एम आप कब लोगे एमसी का रिवीजन या फिर उसे हम कैसे सॉल्व करें या एमएससी के लिए तो उसके बारे में मैं आपको बाद में अपडेट कर दूंगी ठीक है तो अभी हम शुरू करते हैं सॉल्यूशंस और उसके इंपॉर्टेंट फॉर्मूले के साथ तो सोल्यूशन में जो फर्स्ट टॉपिक है वो हैड्रिज लॉ तो हैंड्रीज लॉ क्या कहता है कि कोई भी गैस का सोल्यूबिलिटी लिक्विड में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर ऑफ गैस ओवर द सॉल्यूशन से तो कोई एक लिक्विड है आपके पास और उसमें आपको गैस का सॉल्यूबिलिटी देखना है ये गैस पार्टिकल्स हैं तो ये गैस का सॉल्यूटी उस लिक्विड में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि गैस उस सॉल्यूशन डिसॉल्व होने के बाद क्या प्रेशर जनरेट होगा तो इसका मतलब है एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी अब प्रोपोर्शनलिटी साइन निकालने के लिए मैंने एक कांस्टेंट यूज किया है जो है एस इक्वल्स टू के एच पी जहां एस मतलब होता है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस उसका यूनिट है मोल पर लीटर पी है प्रेशर ऑफ गैस इन बार ओवर सॉल्यूशन ठीक है और के एच है प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट जिसे हेनरीज लॉ कॉन्स्टेंट भी कहते हैं तो आपको यहाँ फॉर्मूला क्या याद रखना है s khp ये हेनरीज लॉ है s मतलब सॉल्युबिलिटी kh मतलब हेनरीज लॉ कांस्टेंट p मतलब प्रेशर ऑफ गैस ओवर द सॉल्यूशन अब इससे एक रिलेटेड प्रॉब्लम है द सॉल्युबिलिटी ऑफ n2 गैस इन वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस एंड 1 बार इज दिस मच तो अब आपके पास गिवन क्या है जल्दी से मैंने आपको पहले ही कहा है न्यूमरिकल जैसे पढ़े गिवन लिखते जाए तो उन्होंने कहा है सोल्यूबिलिटी जो एन टू गैस का इतना है तो आपका एस एक्चुअली हो गया अभी सिक्स पॉइंट इंटू टेन रेस टू माइनस फोर ठीक है और नेक्स्ट है प्रेशर जो है पी तो आपके पास अब एस है आपके पास पी है अब कैलकुलेट क्या, क्या क्या करना है आपको पहले कैलकुलेट करना है हेनरीज लॉ कांस्टेंट दैट इज केएच वो मुझे पता नहीं है ये पहला कैलकुलेशन है सेकंड क्या कैलकुलेट करना है आपको मोलारिटी ऑफ एन टू गैस डिसॉल्व इन वाटर अंडर एटमॉस्फेरिक कंडीशन व्हेन पार्शियल प्रेशर इज दिस मच मतलब इन शॉर्ट पहले आपको केएच कैलकुलेट करना है फिर वापस आपको एस कैलकुलेट करना है जब पी चेंज हो गया है 0.75 बार को देखो ये क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है तो उसमें आप बोलोगे पहला स्टेप तो एकदम क्लियर होगा कि डायरेक्ट केएच कैलकुलेट करना है एस दिया है पी दिया है केएच कैलकुलेट कर लिया अब उन्होंने देखो केच क्या है एक कांस्टेंट है उप प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है कांस्टेंट हमेशा कांस्टेंट रहता है उसका वैल्यू फिक्स रहता है आप एक बार केएच कैलकुलेट कर लोगे यहां तो उसके बाद उन्होंने क्या किया है सेकेंड स्टेप में सेकेंड स्टेप में उन्होंने वापस आपको मोलारिटी मतलब एस ही पूछा है जब पी चेंज हो गया है. तो फर्स्ट केस में पी क्या था वन बार तो एस ये था तो अब उन्होंने कहा अब पी ये है तो एस अब क्या है ठीक है तो दोनों क्वेश्चन अब आपको समझ गए होंगे तो अब हम सोल्यूशन की तरफ जाते हैं तो हमको पहले ए स्टेप सॉल्व करना होगा कि हेनरीज लॉ कॉन्स्टेंट तो मुझे पता है मेरे मेरे पास S है, मेरे पास है, है, तो ये ये आ गया मेरा अब ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा. इसलिए अब सेकेंड स्टेप में मुझे एस पूछा तो एस इक्वल टू के एच पी तो मेरे पास के एच है अब मेरा जो P है वो चेंज हो कि 0.75 बार हो गया है ये दोनों को मल्टीप्लाई करो आपको आ जाएगा S। इतना इजी था ये क्वेश्चन नेक्स्ट दिनरीज लॉक कॉन्स्टेंट ऑफ मिथिल ब्रोमाइड इज दिस मच तो अब गिवन क्या है? हैनरीज लॉ कॉन्स्टेंट मतलब कोर्स हेनरी लॉ पे ये प्रॉब्लम है तो ये दिया हुआ है 0.159 मोल पर लीटर पर बार ठीक है तो ये आपको हेनरीज लॉ कांस्टेंट दिया है टेम्परेचर ट्वेंटी फाइव डिग्री मुझे कोई मतलब नहीं लॉ में टेम्परेचर का कोई मतलब नहीं अब क्या पूछा है सोलिबिलिटी ऑफ पिथिल ब्रोमाइड इन वॉटर एट प्रेशर दिस मच तो हेनरीज लॉ कॉन्स्टेंट दिया है प्रेशर पी दिया हुआ है वन थर्टी एम और मुझे पूछा है सोलिबिलिटी दैट इज एस तो सब क्लियर है कि केज दिया है पी दिया है एस पता लगाना है तो हमारा हेनरीज लॉ क्या कहता है S equals to केज़ पी. केज़ दिया हुआ है बट पी यहाँ पे दिया हुआ है पे बट हमको पी चाहिए किस में बार में क्योंकि मेरा के बार में है तो अब इसे बार में कन्वर्ट करो तो यहाँ कन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान रखना होगा तो पहले जो एम एम एच जी है उसे आपको एटमोसफियर में कन्वर्ट करना होगा तो उसे आपको 130 को 760 से डिवाइड करना है जो भी एमएमएचजी दिया रहेगा उसे आप 760 से ही डिवाइड करो तो आपका जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेयर में कन्वर्ट हो जाएगा इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर को आप जो है अभी बार से मल्टीप्लाई करो दैट इज 1.013 इस वैल्यू से आप जब मल्टीप्लाई करोगे तो वो वाला एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपका बार में कन्वर्ट हो जाएगा ठीक है मैं वापस बता रही हूं ये कन्वर्जन आपका जो भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपका एमएमएचजी में दिया हुआ है उस एमएमएचजी को आप एटमॉस्फेयर में फर्स्ट कन्वर्ट करो उसके लिए आपको उसको 760 से डिवाइड करना है एक बार एटमॉस्फेयर पे कन्वर्ट हो जाए तो उस प्रेशर को आप 1.013 बार पर एटमॉस्फेयर से मल्टीप्लाई करो जिससे आपको बार में आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर मिल जाएगा अब सॉल्युबिलिटी इक्वल्स टू केएचपी केच मुझे पता है पी मैंने अभी कन्वर्ट कर लिया तो मुझे सोलिबिलिटी मिल गया इट वॉज सो सिंपल यहां सिर्फ कन्वर्जन याद रखना जरूरी है नेक्स्ट देखो फिश जनरल इन वॉटर एटलीस्ट थ्री पॉइंट एट एम जी एल फॉर सर्वाइवल ठीक है तो अब उन्होंने क्या दिया है आपको एक्चुअली कॉन्सेंट्रेशन मतलब आपको सॉलिबिलिटी ही दिया है द्री पॉइंट एट एम जी पर लीटर ठीक है तो ये हो गया आपका अभी यहाँ पे एक्चुअली इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि ये mg पर लीटर में है आपको चाहिए होता है मोल पर लीटर तो मोल में कन्वर्ट करना है तो मैं बताऊंगी आगे कैसे करना है नाउ व्हाट पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 अबव वाटर इज नीडेड फॉर सर्वाइवल ऑफ फिश मतलब आपको इधर पता लगाना है p गिवन द सॉल्युबिलिटी

तो ये क्वेश्चन आपको दो स्टेप में सॉल्व करना है तो सबसे पहले आपको क्या करना है सबसे पहले आपको हेनरीज लॉ कॉन्स्टेंट पता लगाना है इस गिवेन से तो एस इक्वल्स टू के एच पी देर फोर के एच इक्वल टू एस अपॉन पी एस मुझे पता है पी मुझे दिया है वन एटमोसफियर वन एटमोसफियर आपको याद रखना होगा एटमोस्फेरिक प्रेशर के लिए ये ये याद रखना जरूरी है है तो आपके पास अब पी भी है, ये दोनों को डिवाइड करो तो आपको आ गया अब आपका जो सॉल्युबिलिटी है नेक्स्ट एस जो है वो एम जी पर लीटर में दिया है उसे आपको जो है मोल पर लीटर में कन्वर्ट करना है तो जो भी आपको दिया हुआ है उसे पहले ग्राम में कन्वर्ट करो तो वन एम 10 टू टेन रेस टू माइनस थ्री 3.8 थ्री पॉइंट एट इंटू टेन रेस टू माइनस थ्री ग्राम पर लीटर हो गया अब इसको मोलर मास वाटर का मोलर मास कितना सॉरी ओ टू का मोलर मास कितना है थर्टी टू करेक्ट एक एटम ओ टू का सिक्सटीन होता है तो ये ओ टू है एक ऑक्सीजन का सिक्सटीन होता है तो सिक्सटीन प्लस इज थर्टी टू तो आपको ये पूरा जो वैल्यू है जो ग्राम पर लीटर को उसको मोलर मास 32 से डिवाइड करना है तो आपको मिल जाएगा वो मोल पर लीटर में। तो अब आपके पास S है अब आपके पास है, है, आपको लगाना तो एस इक्वल्स टू एस अपॉन के एच एस अभी मेरे पास है मेरे पास के एच मैंने फर्स्ट स्टेप में कैलकुलेट कर लिया ये दोनों को डिवाइड करो आपको मिल जाएगा पी इन बार तो क्वेश्चन ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है तो आपको ये क्वेश्चन रीड करके पहले समझना होगा कि आपको पहले हेनरीज लॉ कांस्टेंट पता लगाना है उस गिवन से और फिर हेनरीज लॉ कांस्टेंट और ऊपर वाले सॉलिबिलिटी की यूज करके आपको प्रेशर पता लगाना है नेक्स्ट है लॉर्ड्स लॉ अब ये लॉ क्या कहता है ये लॉ कहता है कि जो पार्शियल वेपर प्रेशर होता है कोई भी वोलेटाइल कंपोनेंट का उसके सॉल्यूशन में इक्वल होता है vapor of pure by its mole तो ये है आपका पार्शियल तो होता है मोल कंपोनेंट सॉरी प्योर वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट मल्टीप्लाइड मोल फ्रैक्शन प्रेशर ऑफ प्योर कॉम्पोनेंट मल्टीप्लाइड बाई मोल फ्रैक्शन तो सॉल्यूशन में तो दो कंपोनेंट होते हैं तो दो मोल फ्रैक्शन से उनको मल्टीप्लाई करोगे तो इसे सॉल्व करोगे आप तो ये हो जाएगा एक्चुअली यहाँ पे फॉर्मूला आपको ये याद रखना है पीवल पी वन जीरो इन टू एक्स टू प्लस पी वन जीरो अब P1 मतलब टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, P10 वन जीरो एंड पी आर वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड A1 एंड ए ठीक है एक्स वन एंड एक्स टू है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशंस। तो आपको यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला कैलकुलेट करने के लिए कहा जाए तो यहां मोल फ्रैक्शन ऑफ x2 टू सिर्फ मिलेगा ठीक है बट x1 वन के लिए पता लगाना है तो याद रखे x1 वन प्लस एक्स टू इक्वल्स therefore x1 equals to 1 minus x2 एक बार आपको x2 टू यहाँ से पता चल जाएगा तो आप x1 वन इजिली निकाल सकते हो तो दोनों कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शंस फ्रैक्शन कैलकुलेट कर सकते हो तो आपको क्या चाहिए टोटल वेपर प्रेशर फिर आपको चाहिए वेपर ऑफ़ द प्योर कॉम्पोनेंट एंड देन कैलकुलेट दी मोल फ्रैक्शंस अब इसी पे बेस्ट एक क्वेश्चन है एंड बी इज दिस एंड दिस मतलब आपको पता चल गया होगा यहाँ पे अभी गिवन क्या है तो गिवन है कि P10 equals to 450 mmHg, क्योंकि A का ये है एंड P20 टू जीरो सेकेंड लिक्विड का है 700 हंड्रेड एम तो वेपर प्रेशर दोनों का पता चल गया टेम्परेचर ये नाउ फाइंड दी कॉम्पोजिशन ऑफ लिक्विड एंड वेपर इफ टोटल वेपर प्रेशर इज दिसोटल टोटल वेपर प्रेशर दिया है पी वन जीरो पी टू जीरो पता लगाना है कॉम्पोजिशन दन एंड एक्स टू उसके बाद आपको पता लगाना है उनका वेपर पर पहले हम जाएंगे कॉम्पोजिशन की तरफ फर्स्ट स्टेपे तो कॉम्पोजिशन ऑफ ए एंड बी दट इज एक्स वन एंड एक्स टू तो इसका फॉर्मूला क्या था अभी रॉड्स लॉ का P equals to P2 zero minus P1 zero whole into x2 plus P1 zero. तो P1 zero क्या है? 450 mmhg Hg. P2 zero 700 mmhg P 600 mmhg हो गया? ये सबसे आपको पता चल गया P1 zero, P2 zero, P. अब आपको पता लगाना है x2. तो सारे वैल्यू सब्सिट्यूट करो इस फॉर्मूले में. और यहाँ पे आप कैलकुलेट करोगे तो हो जाएगा सिक्स हंड्रेड एम एम एच इक्वल plus 450 तो अब आप 600 से 450 माइनस करोगे तो हो जाएगा 150 तो हो जाएगा 150 to 250 into x2. टू x2 equals to टूल सॉरी टू फिफ्टी विच इज इक्वल टू जीरो पॉइंट फाइव तो आपका x2 क्या आ गया 0.5 बस इस फॉर्मूले में मैंने सारे वैल्यू सबस्टिट्यूट किए और x2 कैलकुलेट कर लिया अब मुझे पता है x2 plus x1 equals to 1 देयरफॉर x1 equals to 1 minus x2 दैट इज x1 हो गया 0.4 तो मेरे पास अब x2 है मेरे पास अब x1 है अब आपको पता लगाना था वेव पर अब इसके लिए क्या करना है जो a और b कंपोनेंट्स है उनके वेव पर क्या है a का है y1

अब देखो P1 equals to Y1 P but P1 क्या है X1 zero Y1 सर uh, P1 zero X1 अब देखो ये वाला formula और ये वाला formula ध्यान रखना ठीक है तो मुझे अभी क्या क्या पता है मुझे पता है P1 equals एंड Y1 P and P1 equals to P1 zero X1 ठीक है अब देखो मुझे Y1 पता लगाना ना वही मेरा vapor है एक्चुअली तो 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 y1 p1 P. Y1 क्या p1, P. But p1 क्या 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 है है था p1, 0, X1. तो ये देखो y हो गया तो p1, 0, तो मुझे पता है फोर फिफ्टी एक्स वन मैंने अभी भी कैलकुलेट किया है जीरो पॉइंट फोर पी मुझे पता है सिक्स हंड्रेड सब सब्स्टिट्यूट करो तो आपको मिल जाएगा वाई वन तो तो अब तो अब y1 पहले आपको रॉड्स लॉ यूज करके क्या पता लगाना है मोल फ्रैक्शन दैट इज कॉम्पोजिशन ऑफ लिक्विड जो फॉर्मूला है P इक्वल टू पी टू जीरो माइनस पी वन जीरो इससे आपको x2 पता चलेगा x2 के यूज से आप x1 पता लगा सकते हो फिर आपको y1 और y2 पता लगाना है जो ये फॉर्मूले यूज करिएगा आप, p1 वन इक्वल टू वाई वन पी एंड पी वन इक्वल टू जिससे आपको y1 पता चल जाएगा y1 वन प्लस वाई टू इज इक्वल इसलिए आपको नेक्स्ट y2 भी पता चल जाएगा नेक्स्ट रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर अब रिलेटिव रोरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के लिए ये फॉर्मूला है जो आपको यहां याद रखना है कि एक्स इक्वल टू डेल्टा P अपॉन M1 वन जीरो पे इंपॉर्टेंट क्या है ये याद रखना ये वाला फॉर्मूला रिलेटिव रोरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का ये फॉर्मूला पी वन जीरो माइनस पी वन अपॉन पी वन जीरो तो ये P1 0 minus P1 हुआ डेल्टा P तो डेल्टा P डिवाइड बाय P1 0 इज इक्वल टू W2 into M1 डिवाइड बाय M2 into W1 अब W2 क्या है W2 है वेट ऑफ सॉल्यूट W1 क्या है वेट ऑफ सॉल्वेंट M1 है मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट M2 है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट ठीक है यहां पे जो x2 था वो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट अब डेल्टा पी डिफरेंस इन दी प्रेशर ठीक है और ये पी वन जीरो पार्शियल प्रेशर ऑफ दी प्योर कंपोनेंट्स ठीक है सॉल्वेंट का अब चलिए प्रॉब्लम की तरफ अ सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग दिस मच ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इन दिस मच ग्राम ऑफ वाटर तो नॉन दिस मच ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मतलब ये आपका सॉल्यूट है सॉल्यूट का जो मास होता है W2 तो W2 क्या हुआ थ्री नाइन फोर ग्राम सॉल्वेंट का मास होता है W1 तो हो गया सिक्स ट्वेंटी टू ग्राम वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज़ फाउंड टू बी तो अब पेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन मतलब प्योर सॉल्यूशन का पूरा सॉल्यूशन का क्या है थर्टी पॉइंट सेवेंटी फोर एम और इफ वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इज दिस मच मतलब प्योर सॉल्वेंट का पी वन जीरो जिसे कहेंगे

क्योंकि यहाँ पे क्लियर है मॉलिकुलर फॉर्मूला से मैं निकाल सकती हूँ एस टू उसका मॉलिकुलर फॉर्मूला है तो मोलर मास ऑफ मुझे वाटर पता है मुझे वाटर का वेपर प्रेशर पता है मुझे पूरे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर पता है मुझे W2 W1 पता है मुझे सिर्फ M2 पता लगाना है तो मेरा फॉर्मूला क्या है मेरा फॉर्मूला है पी वन जीरो माइनस डेल्टा P डिवाइड बाय पी जीरो विच इज इक्वल टू

P10, equal to, W2 क्या है 394 into, M1, 18, divide by, M2 नहीं पता into w. अब ये पूरा आप जब सॉल्व करोगे तो आपको एम टू मिलेगा टू ग्राम पर मोल तो ये फॉर्मूला याद रखना यहाँ पे जरूरी है तो ये फॉर्मूला से आप मोलर मास निकाल सकते हो जब आपके पास वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट और वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन प्रेजेंट है अब देखो अ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऑफ दिस मच ग्राम इज एडेड टू दिस मच द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज दिस व्हाट इज द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट ठीक है वापस उस टाइप का ही क्वेश्चन है तो आपके पास सब कुछ दिया हुआ है आपको मोलर मास पता लगाना है तो पहले गिवेन क्या क्या है वो देखिए है कि आपका जो W सॉल्यूट का जो है वेट दैट इज W2 है 2.315 ग्राम डब्लू वन दैट इज सॉल्वेंट का वेट जो बेंजीन है 49 ग्राम M1 मोलर मास ऑफ सॉल्यूशन है 78, उन्होंने दिया हुआ है मोलर मास Of benzene, that is, आपका प्योर सॉल्वेंट का ठीक है एम वन आपको एम टू पता लगाना है प्योर बेंजीन का दट इज पी वन जीरो सिक्स फोर्टी एम एम एच जी और आपको पूरे सॉल्यूशन का भी दिया हुआ है दट इज पी सिक्स हंड्रेड एम एम एच जी ठीक है तो अब आपका फॉर्मूला है पी वन जीरो माइनस पी वन डिवाइड बाई पी वन जीरो पास P10 solvent, P1 वन जीरो है दैट इज वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट P1 वन वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन W1 वन वेपर सॉरी मास ऑफ सॉल्वेंट W2 मास ऑफ सोल्यूट आपको मोलर मास दैट इज एम वन भी पता है 78, अभी सारे वैल्यू सब्सिट्यूट करो इस फॉर्मूले में तो ये हो जाएगा देखो पी वन जीरो माइनस पी वन डिवाइड बाई पी वन जीरो पे टेक्स्ट बुक में गलत है इंटू कर लेना बाई M1 टू डब्लू वन इंटू एम टू अभी इसको सॉल्व करो तो एम टू आपको मिल जाएगा ये यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन साइन है इसको करेक्ट कर लेना टेक्स्ट बुक में तो इसको सॉल्व करोगे तब आपको मिल जाएगा M2 टू इक्वल टू सेवन ग्राम पर मोल नेक्स्ट है द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इज दिस मच ठीक है वॉट इज द वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन कंटेनिंग दिस मच यूरिया इन 50 ग्राम ऑफ वॉटर तो आपको वेपर प्रेशर ऑफ वाटर दिया है मतलब आपको दिया हुआ है पी वन जीरो पता लगाना है that is P1 पता लगाना है. है आपके पास W1 यूरिया सॉरी वाटर होगा मास ऑफ सॉल्वेंट दैट इज 50 ग्राम W2 मास ऑफ सॉल्यूट 2.8 ग्राम मोलर मास ऑफ वाटर M1 वाटर का H2O मॉलिक्यूल है तो 18 होता है मोलर मास करेक्ट यूरिया का एम टू मोलर मास ऑफ सोल्यूट यूरिया का स्ट्रक्चर ये है एन एच टू एन एच टू तो नाइट्रोजन होता है 14 दो बार है तो फोर्टीन इंटू टू फिर एक कार्बन है ट्वेल्व और आपके पास ऑक्सीजन है एक सिक्सटीन हाइड्रोजन चार है इसलिए फोर ये पूरा मल्टीप्लाई सिक्सटी तो यूरिया का मोलर मास इज हो गया सिक्सटी तो आपके पास अब एम वन है एम टू है डब्लू वन है पी वन जीरो है पी वन पता लगाना है आपका फॉर्मूला है पी वन जीरो माइनस पी वन डिवाइड बाय पी वन जीरो मेरे पास है आपका पी वन जीरो इंटू पी वन डिवाइड बाय पी वन जीरो इक्वल टू डब्लू टू एम वन एम टू डब्लू वन ये पूरा सॉल्व करो तो आपको आंसर मिल जाएगा पी वन लिए P1 मिल जाएगा एक्चुअली ये क्या क्या हो रहा है पता है पता आपको पहले आप कैलकुलेट कर रहे हो यहां पर इंटू सॉरी ये माइनस साइन है नॉट इनटू है ये माइनस साइन है तो ये पी वन जीरो माइनस पी वन डिवाइड बाई पी वन जीरो क्वल टू ये वाला जो साइड है ये साइड पूरा कैलकुलेट कर लीजिए क्योंकि साइड के सारे वैल्यूज आपको गिवन है तो एक बार आप ये कैलकुलेट कर लोगे उसके बाद आपको क्या करना है ये वाला होल वैल्यू को इधर ले आना है ठीक है जो इन्होंने इन हाँ किया है और ये अभी रहेगा सेवनटीन एम एम एच जी माइनस पी वन माइनस पी वन लिखना भूल गए तो माइनस पी वन ठीक है यहाँ पे माइनस साइन से ये माइनस पी वन हो गया इसलिए अब इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 17 mmHg minus P1 equals to 0.2856 mmHg अब P1 पता लगाना है तो इसको इस, तर, इस तरफ लाओगे करेक्ट तो अब ये आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 16.71 mmHg अब नेक्स्ट है इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट से आपको मॉलिक्यूलर मास निकालना है तो कैसे हैं so, M

डब्लू वन वेट ऑफ सोलवेंट डेल्टा टीबी इलिवेशन एम टू आपको मोलर मास्यूट अब आपका क्वेश्चन क्या है आपको नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट इथिल एसिडेट का दिया हुआ है सोल्यूशन ऑफ फिफ्टी ग्राम ऑफ नॉन वोलाटाइल सोल्यूट इन दिसमच सॉल्वेंट तो आपको सोल्यूट का वेट दिया है सोलवेंट का वेट दिया है अब सोल्यूशन बॉइल किस पे कर रहा है इतना टेम्परेचर पे अब इलेवेट मोलर मास ऑफ सोल्यूट मतलब आपको एम टू पता लगाना है जब के बी आपको दिया हुआ है तो आपका फॉर्मूला क्या है के बी देखते ही आपको पता है ये इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का ही फॉर्मूला यूज करना है तो है एम टू इक्वल टू डेल्टा टी बी इंटू क्या है फिफ्टी ग्राम सॉल्यूट का वेट W1 सॉल्वेंट का वेट 150 ग्राम अब डेल्टा भी कैलकुलेट करना है क्योंकि उन्होंने बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन नहीं दिया है तो डेल्टा भी कैसे कैलकुलेट करोगे आपको सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट दिया आपको प्योर सॉल्वेंट का दिया है तो सोल्यूशन माइनस प्योर सॉल्वेंट दैट इज अभी 84.27 फोर माइनस सेवेंटी तो ये हो गया 7.21 पॉइंट तो आपको मिल गया डेल्टा भी KB आपको दिया हुआ है जो के जी पर मोल में है ठीक है डिग्री सेल्सियस है तो उसको कैलविन कर लीजिए दोनों वैल्यू सेम रहेंगे क्योंकि से ये वैल्यू एक्चुअली ना आपको सेम ही रखना है आप इतना याद रखिए बस तो अब आपके पास के बी है आपके पास डेल्टा भी है आपके पास डब्ल्यू वन है आपके पास डब्ल्यू टू है आपको सिर्फ एम टू पता लगाना है तो वैल्यूज डालिए एम टू इक्वल्स टू थाउजेंड इन टू के बी दिया हुआ है डब्ल्यू टू दिया है डब्ल्यू वन दिया है डेल्टा टीवी आपने कैलकुलेट कर लिया है अब इसे सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा एम टू वन ट्वेंटी एट ग्राम पर मोल नेक्स्ट थ्री पॉइंट सेवन नाइन फाइव ग्राम ऑफ सल्फर इज इन हंड्रेड ग्राम ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड तो अब आपका जो क्या दिया हुआ है यहाँ पे देखो सॉल्यूट का वेट सॉल्वेंट का वेट सोल्यूशन दिस सेल्विन मतलब आपका सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट दिया है वॉट इज द मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ सल्फर एंड बॉइलिंग सोलवेंट का भी boiling point दिया है सोल्यूशन का भी बॉइलिंग है, है अब आपको सिर्फ कैलकुलेट क्या करना है पहले मोलर मास को यूज करके आपको पता लगाना होगा की मोलिकुलर फॉर्मूला क्या है तो मैं बताती हूँ कैसे करना है तो बेसिकली आप यहाँ पे देखोगे आपको सब कुछ दिया हुआ है ठीक है Given में आपको डब्ल्यू तो आप ही ही टू W1. W1 दिया है W2 दिया है दिया डेल्टा Tb मतलब आपको सोल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट से जो है सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट माइनस करना है तो आपको डेल्टा Tb मिल जाएगा ये सारे वैल्यूज आप अपने वाले फार्मूले में सब्स्टिट्यूट कीजिए तो m2 मिल जाएगा ठीक है बट एक सल्फर का एटॉमिक मास है 32 और आपको इतना मास आया है मतलब आपको इससे पता चल जाएगा कि कितने एटम ऑफ सल्फर प्रेजेंट है क्योंकि एक सल्फर का वेट कितना है 32 पर आपका वेट तो इतना है तो इस वेट को आप 32 से डिवाइड करें तो ये ऐसा है एक एटम का वेट है 32 तो कितने एटम्स का वेट होगा 255.10 ठीक है ऐसे पता लगाना है तो कितने एटम्स प्रेजेंट है तो उसके लिए क्या होगा आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा दैट इज 255.1 डिवाइड बाय 32 जो आप करोगे तो आपको आंसर मिलेगा ऑलमोस्ट 8 मतलब आपके सल्फर के 8 एटम्स प्रेजेंट है दैट इज S8 तो मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ सल्फर क्या हो गया S8 नेक्स्ट दिया है। के भी आपको दिया है। तो मोलाटी ऑफ सोलूशन जब पता लगाना, तो तो लगाना हुआस में जहां मोलिकुलर मासला पता लगाना है तो उसका फॉर्मूला है ये फॉर्मूला अलग से याद रखिए डेल्टा टीबी टू के बी इन टू एम डेल्टा टीबी इक्वल्स टू के बी इंटू एम डेल्टा टीबी इलिवेशन के बी बॉइलिंग पॉइंट इलिवेशन कॉन्स्टेंट m मोलारिटी. देखो m इक्वल्स टू डेल्टा टीवी अपॉन के बी डेल्टा टीवी मुझे पता है दिया हुआ है केबी भी मुझे दिया हुआ है बस इसे डिवाइड कीजिए आपको मिल जाएगा मोलारिटी. नेक्स्ट डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के लिए मॉलर मास पता लगाना है तो है M2 equals to thousand into Kf into W2 divide by delta Tf into W1. Delta Tf मतलब फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, Kf मतलब फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट, W2 मतलब वेट ऑफ सोल्युट, W1 वेट ऑफ सॉल्वेंट, M2 मोलर मास ऑफ सॉल्यूट यदि आप KF और TF देख लो तो आप समझ जाओगे कि ये फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन का ही क्वेश्चन है तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है 1.02 ग्राम ऑफ यूरिया व्हेन डिसॉल्विंग 98.5 ग्राम ऑफ सर्टेन सॉल्वेंट डिक्रीजेस इट्स फ्रीजिंग पॉइंट बाय दिस तो आपके पास है w2 w1 डेल्टा टीb 0. 211k नाउ अब ये हो गया एक पार्ट क्वेश्चन का ये याद रखिए ये क्वेश्चन का एक पार्ट है सेकंड पार्ट क्या है 1.609 ग्राम ऑफ अननोन कंपाउंड व्हेन डिसॉल्व्ड इन 86 ग्राम ऑफ सेम सॉल्वेंट ठीक है सॉल्वेंट सेम है अब उसका वेट खाली चेंज कर दिया तब फ्रीजिंग पॉइंट कितना आया 0.34 तो आपको क्या पता लगाना है मोलर मास तो क्वेश्चन दो पार्ट में पहला पार्ट ये है और दूसरा पार्ट ये है तो पहले पार्ट में W2 W1 ये है दूसरे पार्ट में W2 W1 ये है, आपको ये फ्रीजिंग पॉइंट दिया हुआ है, आपको मोलर मास पता लगाना है तो पहले केस में तो आपको पता है आपको सॉल्यूट क्या है यूरिया है करेक्ट तो इससे आपको यूरिया का मोलर मौल, मास आप पता लगा सकते हो पहला केस में यूरिया है मतलब फॉर्मूला क्या है एन एच टू करेक्ट तो ये हो जाएगा 14 इंटू टू क्योंकि दो नाइट्रोजन है प्लस एक कार्बन है 12 प्लस एक ऑक्सीजन है प्लस चार हाइड्रोजन है इसे आप सॉल्व करोगे तो आपको यहाँ पे डायरेक्टली आंसर मिल जाएगा 60 तो यूरिया का मोलर मास तो आपको पता चल गया ठीक है तो आप अब ये क्वेश्चन को दो पार्ट है तो दो पार्ट में डिवाइड कर लो दिया हुआ भी है मोलर मास ऑफ यूरिया ठीक है तो दो पार्ट में डिवाइड कर लिया तो पहले पार्ट में w2 क्या है 0 ग्राम पहले पार्ट में w1 क्या है 98.5 ग्राम डेल्टा tf क्या है 0.211 केल्विन और m2 क्या है 60 ग्राम हो गया सेकंड पार्ट अननोन कंपाउंड है मुझे उसका मोलर मास पता लगाना है तो सेकंड पार्ट में w2 क्या है 1.609 ग्राम w1 क्या है 86 ग्राम डेल्टा tf क्या है 0.34 केल्विन मुझे m2 पता लगाना है मेरा फॉर्मूला क्या है फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन का फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन का मेरा फॉर्मूला ये है m2 equals to 1000 kf into w2 डेल्टा by delta tf into w1 तो इसे आप क्या करोगे जो 1000 kf है उसे आप एक साइड रखोगे बाकी वैल्यूज यहाँ शिफ्ट करोगे तो m2 डेल्टा delta tf इंटू डब्लू वन डिवाइड बाय डब्लू टू ये हो जाएगा अब आपका फार्मूला करेक्ट तो यही फार्मूला इधर फॉर्मूलाएफ वैल्यू हमेशा थाउजेंड इंटू के एफ इक्वल टू एम टू डैश क्योंकि सेकेंड है ना ये इंटू डेल्टा टी एफ डैश इंटू डब्ल्यू वन डैश डिवाइड बाई डब्लू टू डैश अब ये वाले पार्ट के सारी वैल्यू सब्सिट्यूट करो तो पहले पार्ट में m2 क्या था 60 डेल्टा tf 0.211 w1 98.5 w2 1.0 2 ग्राम ये हो गया पहला पार्ट का व्हिच इज इक्वल टू अब सेकेंड पार्ट के वैल्यू सब्सिट्यूट करो m2 डैश मुझे नहीं पता वही तो कैलकुलेट करना है फिर डेल्टा tf डैश है 0.34 केल्विन w1 डैश है 86 ग्राम और w2-a 1.69 तो ये दोनों अब हो गए इक्वल क्योंकि 1000 केएफ तो कांस्टेंट है दोनों इक्वल तो दोनों का सामने-सामने रखो इसे सॉल्व करो इससे आपको m2 मिल जाएगा <coughs> सॉरी इससे आपको m2 मिल जाएगा तो m2 इक्वल्स टू 1222.55 डिवाइड बाय 18.175 जो हो जाएगा 67.3 ग्राम पर मोल नेक्स्ट

हंड्रेड माइनस फाइव दट इज नाइनटी फाइव ग्राम तो अब आपके पास डब्ल्यू टू है डब्लू वन है फर्स्ट केस का क्योंकि दो, दो ग्लूकोज दो केस में अब डब्ल्यू टू डैश वापस फाइव परसेंट है तो फाइव ग्राम और डब्लू वन डैश सेम हंड्रेड माइनस फाइव दैट इज 95 फाइव ग्राम अब आपके पास डब्लू टू है डब्लू वन है डब्लू टू डैश है डब्लू वन डैश अब आपके पास एम टू डैश भी है क्योंकि उन्होंने मोलर मास ऑफ शुगर दिया हुआ है तो एम टू डैश है आपका एम टू एक्चुअली एम टू है ये ये एम टू है एम टू आपका दिया हुआ है यहाँ पे नहीं है तो एम टू इक्वल्स टू थ्री फोर्टी टू ग्राम ये दिया हुआ है एम टू डैश जो सेकेंड पार्ट है क्वेश्चन का ग्लूकोज का वो है वन एटी ग्राम अब डेल्टा टीएफ देखिए डेल्टा टीएफ दिया हुआ है अब आपके पास है टीएफ दिया हुआ पूरे सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट 271 केल्विन तो टीएफ जीरो मतलब प्योर सॉल्वेंट का क्या होगा वाटर का होता है जीरो डिग्री सेल्सियस दैट इज 273.15 केल्विन 271 केल्विन ये आप बोलोगे गिवन नहीं है बट याद रखिए ये सॉल्यूशन है एक्वस मतलब वाटर में है

एफ इक्वल टू एम टू इंटू डेल्टा टी एफ इंटू डब्ल्यू वन डिवाइड बाई के एफ इंटू सॉरी नॉट के एफ इन ये हो जाएगा डब्लू टू डिवाइड बाई डब्ल्यू टू विच इज इक्वल टू करेक्ट के एफ वापस इक्वल टू होता है एम टू डैश इंटू डेल्टा टी एफ डैश इंटू डब्ल्यू वन डैश डिवाइड बाई डब्ल्यू टू डैश ठीक है अब इसी तरह से आप ये देखो आपका फर्स्ट पार्ट हो गया ये सेकेंड पार्ट हो गया अब ये दोनों इक्वेशन को सामने-सामने रखो आपको m2 पता है दैट इज मोलर मास ऑफ योर केन शुगर दिया हुआ था m2 पता है फिर आपके पास डेल्टा टीएफ जो अभी-अभी आपने कैलकुलेट किया है यहाँ पे 215 केल्विन सॉरी एक्चुअली 2.15 केल्विन है क्योंकि 273.15 271 इज 2.15 केल्विन वो कैलकुलेट कर लिया फिर पता 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 था, W1 पता है, W2 पता है। फिर आपका ग्लूकोज वाला वैल्यूज डालिए, में आपको का मास पता है डब्लू तो वन डैश, डैश पता है ये पूरे वैल्यूज कैलकुलेट कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा डेल्टा टी एफ डैश फोर पॉइंट जीरो एट फाइव कैलवीन ये तो मिल गया आपको डेल्टा टी एफ डिफरेंस पर आपको क्या पता लगाना था आपको पता लगाना था टी एफ ठीक है तो टीएफ जीरो माइनस डेल्टा टीएफ तो ये क्या हो गया एक्चुअली डेल्टा टी एफ टू टी एफ माइनस टी एफ करेक्ट टी एफ इक्वल टू टी एफ जीरो माइनस डेल्टा टी एफ ये हो गया अब आपको पता है टी एफ जीरो क्या है वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट टू सेवेंटी थ्री पॉइंट वन फाइव आपके पास डेल्टा टी एफ है ये डालिए तो आपको मिल जाएगा टी एफ ठीक है नेक्स्ट ऑस्मोटिक प्रेशर लिए फॉर्मूला पाई इक्वल्स टू डब्लू टू इंटू आर टी डिवाइड बाई एम टू इंटू वी और एम टू इक्वल्स टू डब्लू टू इंटू आर टी डिवाइड बाई पाई इंटू वी तो वी मतलब होता है वॉल्यूम इन लीटर डब्ल्यू टू मास ऑफ सॉल्यूट एम टू मोलर मास ऑफ सोल्यूट आर गैस कांस्टेंट जो आपको याद रखना है ऑफ पॉइंट इफ सोलूशन इज प्रिपेड बाई डिजोल्विंग मच ग्राम मतलब आपका है ये W2 टू इन मच वॉटर ठीक है एंड ऑस्मोटिक प्रेशर दाई T 273 Kelvin. तो आपको फॉर्मूला है M2 टू इक्वल टू W2 टू इन टू डिवाइड बाई पाई वी डब्लू क्या है 0.822 ग्राम R पता है T पता है पाई है आपका mmhg में जिसे आपको एटमोस्फेयर में कन्वर्ट करना है तो जितना भी mmhg दिया है उसे डिवाइड कीजिए 760 से तो आपका एटमोस्फेयर प्रेशर मिल जाएगा वॉल्यूम 300 ml एम है एक्चुअली वो डेसीमीटर डेसीमीटर की मतलब एम तो आपको उसको कन्वर्ट करना है डेसीमीटर क्यूब में डिवाइड कर दीजिए आप इसको थाउजेंड से तो आपको मिल जाएगा डेसीमीटर क्यूब में तो एम टू में अब आप सारा वैल्यू वैल्यूट्यूट करो एम इक्वल टू डब्लू टू इंटू आर इंटू टी इंटू पाई इंटू वी और आपको एम टू मिल जाएगा डेंसिटी uh, दिया हुआ है डी ऑस्मोटिक प्रेशर पाई दिया हुआ है टेम्परेचर 225 डिग्री सेल्सियस मतलब 25 प्लस 273 केल्विन जो भी होगा वो केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा फ्रीजिंग पॉइंट -1.03 डिग्री सेल्सियस व्हाट इज द मोलर मास ऑफ कंपाउंड तो आपके पास एक्चुअली अब आपके पास फ्रीजिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर वाला मिक्स वाला प्रॉब्लम है तो पहले आपको क्या पता लगाना है आपको पता यहाँ लगाना है एक्चुअली मोलर मास मोलर मास के लिए आपको पहले सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन पता लगाना तो देखिए डेल्टा टीएफ इक्वल्स टू टी जीरो माइनस टीएफ एफ जीरो क्या है वाटर का है क्योंकि एक्वा सॉल्यूशन बात किया है वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है जीरो डिग्री सेल्सियस मतलब टू सेवेंटी थ्री पॉइंट वन फाइव केल्विन करेक्ट माइनस जो भी है वन केल्विन डिग्री सेल्सियस है उसको

दिया हुआ है फ्रीजिंग पॉइंट प्रेशर ठीक है वॉटर का दिया हुआ नहीं है यह एक्चुअली गिवन होना चाहिए पर यहां नहीं है बट फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ़ कैलकुलेट किया मैंने के एफ पता है ये सॉल्व करोगे तो आपको मिल जाएगा एम अब इसको कैसे आगे यूज करना है ऑस्मोटिक प्रेशर में

given that is 0.55 यहाँ पे है ना आपने मोलर मास ऑफ सॉल्यूशन पता लगाया है तो उससे आपको डिवाइड करना है इनटू 1 डेसीमीटर तो आपको मिल जाएगा केजी में जिसे आप ग्राम में कन्वर्ट कर लीजिएगा केजी को ग्राम में करना है इन 2000 कीजिए तो आपका ग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा तो आपको मिला मास ऑफ सॉल्वेंट मास ऑफ सॉल्यूशन मास ऑफ सॉल्यूशन क्या है कैसे पता लगाइएगा तो मास ऑफ सॉल्यूशन यहाँ पे

W2 यहाँ यहां आपको W1 पता है आपको अभी यहाँ पे डालना है ये M equals to thousand into M W2 टू by M2 into W1. Therefore M2 equals to thousand into W2 डब्लू by M into W1. Thousand

नेक्स्ट क्वेश्चन है अ प्योर बेंजीन एंड टोलिन कंटेेंस 30% बाय मास ऑफ टोलिन बेंजीन और टोलिन में कितना है 30% टोलिन तो बेंजीन कितना होगा ऑफ कोर्स 70% एट 30 डिग्री सेल्सियस वेपर प्रेशर जो है प्योर टोलिन का इतना है प्योर बेंजीन का इतना है एज्यूमिंग द टू लिक्विड्स आइडियल आइडियल केस में कैलकुलेट दी टोटल प्रेशर एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कॉन्स्टिट्यूएंट तो देखिए आपको क्या पता लगाना है आपको टोटल प्रेशर और पार्शियल प्रेशर पता लगाना है उसके लिए आपको पहले जाना होगा मोलर मास ऑफ टोलियन टोलिन का स्ट्रक्चर कैसा है कितने कार्बन हुए सात कार्बन आठ हाइड्रोजन तो सेवन इंटू ट्वेल्व प्लस एट इंटू दिस दिस इज मोलर मास ऑफ टोलियन बेंजिन का स्ट्रक्चर से बेंजिन रिंग तो दिस इज मोलर मास ऑफ बेंजिन तो आपके पास 30 ग्राम टोलिन है 70 ग्राम बेंजिन है 30 परसेंट मतलब 30 ग्राम यदि 100 ग्राम सोल्यूशन है तो बचा हुआ 70 ग्राम बेंजिन अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ टोलिन इज इक्वल टू दैट इज एन जिसे कहेंगे इज इक्वल टू थर्टी डिवाइड बाय नाइनटी टू ठीक है मोलर मास गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास उससे आपको मिल जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ टोलिन सेम गिवन मास ऑफ बेंजीन डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ बेंजीन जिससे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन आपके पास अब आप NA है आपके पास NB है अब टोटल नंबर ऑफ मोल्स मतलब पूरे सॉल्यूशन में बेंजीन और टोलिन का कितना मोल्स है NA NB ये मिल गया अब मोल फ्रैक्शन पता लगाना है मोल फ्रैक्शन दैट इज X सॉरी मोल फ्रैक्शन ऑफ टोलिन मतलब हो जाएगा एन ए टोलिन का मोलर मास डिवाइड बाय एन ए टोटल सोल्यूशन का मोल्स टोलिन का मोल्स डिवाइड बाय सोल्यूशन का मोल्स टोलिन का मोल डिवाइड बाय सोल्यूशन का मोल इससे आपको मिला मोल फ्रैक्शन ऑफ टोलिन सिमिलरली बेंजीन के लिए पता लगाना है तो आप सेम थिंग यूज कर सकते हो एनबी डिवाइड बाय एन ए प्लस या सबसे सिंपल है कि आपको जो भी मोल फ्रैक्शन ऑफ टोलिन मिला है तो आप वन से माइनस कर दीजिए तो आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजिन मिल जाएगा तो आपके पास मोल फ्रैक्शन ऑफ है मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजिन है अब आपको प्रेशर पता लगाना है पार्शियल प्रेशर एक्चुअली तो टोलिन का पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू प्योर टोलिन का प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ टोलिन तो प्योर टोलिन का प्रेशर गिवन है

थैंक यू आपके पास कोई डाउट है कोई कमेंट है कोई सल्यू ये है सजेशन है तो आसिया डाउट जीरो फोर एट जी मेल डॉट कॉम पे आप मुझे बता सकते हो और या फिर कमेंट बॉक्स में मेरे साथ बने रहने के लिए थैंक यू एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे कीप स्टडी